नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं देश दुनिया, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। तमाम बड़ी अहम खबरों पर नजर डालेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही खबर के साथ, जहां पर देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई राज्यों में जमकर बरसात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस वीकेंड में दिल्ली ही नहीं उसके आसपास के राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार आज और कल दिल्ली के अधिकांश इलाकों में बरसात होने वाले हैं। वीकेंड पर बारिश होने की वजह से दिल्ली के तापमान में मामूली सी गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर में अगले 4 से 5 दिन में भारी बारिश की संभावना है। देश भर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बरसात हो रही है और बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है और ये भी कहा है कि जो वीकेंड है वो ठंडा रहने वाला है, यानी यहाँ पर तापमान जो है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी और इस वीकेंड लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिनों में दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है और इसके साथ ही अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर में भी अगले 5 से 6 दिनों के बीच भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। साथ ही बिहार में भी एक बार फिर से जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जमुई, गया, पटना में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है कि अगले 4 से 5 दिनों में बिहार के इन जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 1-2 दिनों में वहां पर भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि उत्तराखंड के लोगों को ये भी कहा गया है कि वो सतर्क रहे, सचेत रहे, क्योंकि भारी बारिश के चलते हमने पिछले दिनों में भी देखा था कि लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं वहां देखने के लिए मिली थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून का जो सीजन है वो इस समय पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले बारिश थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन अगले 5 से 6 दिनों के बीच में देश भर के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है और दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सचेत रहने की अपील की है। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। वहीं MP में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में अलग अलग जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मॉनसून सुपर एक्टिव है। वहीं 30 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर इंदौर की, जहां भारी बारिश के चलते विजयनगर चौराहे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां झमाझम बारिश के चलते जसवंत सागर डैम का एक गेट खोला गया। तीसरी तस्वीर शहडोल जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो चौथी तस्वीर शाजापुर जिले की है, जहां भारी बारिश के चलते काली सिंध लखुंदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो इंदौर में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई है। बारिश इतनी तेज कि शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। पानी सड़क से उतरकर दुकानों में भी भर चुका है। पुलिस थाना भी इससे अछूता नहीं, विजयनगर थाना में पानी भर चुका है। वहीं भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जाम लग गया। और उकर लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में मतभेद की बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई। श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे और NC के घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं को लेकर मतभेद है। इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाए थे और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे गए थे। अगली खबर पंजाब
के अमृतसर से सामने आ रही है, जहां पर घर में घुसकर सुखचैन सिंह नाम के एक एनआरआई की दो लोगों ने हत्या कर दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दो लोग घर के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनकी घर के अंदर मौजूद सुखचैन सिंह से कहा सुनी हो गई और इसी दौरान उन्होंने उसे गोली मार दी। एनआरआई सुखचैन सिंह पर उन्होंने 3 गोलियां दागी। जानकारी के मुताबिक सुखचैन सिंह 1 महीने पहले अमेरिका से लौटे थे। कुछ दिन पहले सुखचैन सिंह ने एक महंगी कार भी खरीदी थी। तो ये तस्वीरें, ये खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक एनआरआई को ताबड़तोड़ गोलियां मारी जाती हैं। 3 गोलियां लगने के बाद एनआरआई ने दम तोड़ दिया। देखना है कि पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर अंकुश शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फ्लैट की डील में हुए विवाद के बाद फिल्म और वेब सीरीज देखकर हत्या की प्लानिंग बनाई थी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में 9 अगस्त को उस कत्ल की दास्तां तो आपको याद होगी, जब एक प्रॉपर्टी डीलर सही सलामत घर से जाता है, अपने दोस्तों से मिलने की बात करता है, लेकिन घर पर लाश पहुंचती है। तारीख 9 अगस्त 2024, जगह बीटा 2 थाना, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के गोल्ड फिएस्टा सोसाइटी में रहने वाली प्रॉपर्टी डीलर अंकुश का परिवार थाना पहुंचता है और शिकायत दर्ज कराता है कि रात से अंकुश की कोई खबर नहीं है। पुलिस केस दर्ज करती है और अंकुश की तलाश में जुट जाती है। अंकुश के फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, सीसीटीवी को खंगाला जाता है। सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस प्रवीण नाम के शख्स तक पहुंचती है। प्रवीण से पूछताछ की जाती है तो जानकारी मिली वो चौंका देने वाली थी। पूछताछ के दौरान प्रवीण ने बताया कि उसने अंकुश की हत्या कर शव को थाना नॉलेज पार्क में जंगल में फेंक दिया। पुलिस प्रवीण की निशानदेही पर उस जगह पर पहुंचती है और अंकुश की खून से लथपथ लाश बरामद करती है। लेकिन प्रवीण ने अंकुश की हत्या क्यों की, इस वजह को जानकर पुलिस प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रवीण और व्यापारी अंकुश शर्मा के बीच एक फ्लैट की डील हुई थी, जिसकी कीमत 1,20,00,000 थी। प्रवीण ने अंकुश शर्मा को 8,00,000 रुपए दिए थे। प्रवीण बचे हुए पैसे अंकुश को देने के मोड में नहीं था, बल्कि फ्लैट पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने हत्या की साजिश रची। 9 अगस्त को प्रवीण ने अंकुश को मिलने के लिए बुलाया, उसे एक सोसाइटी में लेकर गया। उसी सोसाइटी की पार्किंग में दोनों ने ड्रिंक किया और जब अंकुश नशे में हो गया तो प्रवीण ने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। देखिए, 9 अगस्त को एक व्यापारी है जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो की जो जमीन है वहाँ पे, जो जंगल है LG गोल चक्कर के पास, वहां से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में माउंटेड पुलिस में घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैरहाजिर होकर वहां से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संजीत, उसके थ्रू हुई थी। आरोपी प्रवीण मेरठ का रहने वाला है, दिल्ली पुलिस का सस्पेंड हेड कांस्टेबल है। प्रवीण ने हत्या की प्लानिंग के लिए कई वेब सीरीज देखी थी। दृश्यम फिल्म देखकर उसने उसी पैटर्न पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या के बाद प्रवीण ने अंकुश के मोबाइल से मैसेज भेजे ताकि किसी को उस पर शक न हो और गाड़ी में फैले खून को भी उसने धुलवा दिया। सबूत मिटाने की प्रवीण ने हर कोशिश की लेकिन पुलिस की पहुँच से बच नहीं पाया। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर है, जहां पर पुलिस थाने पर हमला करने के मुख्य आरोपी शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कोतवाली कांड पर अपनी सफाई दी है और पुलिस थाने पर हुए पथराव को असामाजिक तत्वों की साजिश बताई। आरोपी शहजाद अली ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो आरोपी ने थाने पर किए गए पथराव को साजिश बताया है और
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्य आरोपी का वीडियो सामने आया है, जहां पर आरोपी ने इस पूरे जो मामला हुआ उसको साजिश करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता की धरती पर वापसी की नई तारीख फिर से बताई है। महज 8 दिन के मिशन पर स्पेस में भेजी गई सुनीता विलियम्स 8 महीने के इंतजार के बाद सुरक्षित वापस लौट सकती हैं, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं होने वाली। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सुनीता के स्पेस मिशन पर की जा रही डरावनी भविष्यवाणी आखिर क्या है। जून 2024 सुबह 10:52 कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा अमेरिका। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे दुनिया नासा के नाम से जानती है, इसने स्टार लाइनर मिशन लॉन्च किया था, जिसे मात्र 8 दिन स्पेस में गुजारना था। चौदह जून की तारीख को स्टार लाइनर को धरती पर वापस आना था, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। दिन गुजरते जा रहे हैं, इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब स्पेस मिशन से सुनीता विलियम्स की वापसी की नई तारीख अगले साल 2025 की दे दी गई है। आखिर हो क्या रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? क्या नासा का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट कबाड़ बन गया? सुनीता विलियम्स के पास क्यों सिर्फ 96 घंटे की सांसें ही बाकी रहने की बात कही जा रही है? अंतरिक्ष यात्रा की ये अचंभित करने वाली हकीकत हैरान करने वाली है। कल्पना कीजिए, इस धरती से 400 किलोमीटर दूर 100 दिन से ज्यादा से दो जिंदगियां अनंत आकाश में फंसी हुई हैं। दुनिया की सबसे नामी स्पेस एजेंसी नासा उन जिंदगियों की वापसी की तारीख पर तारीख बदलते जा रही है, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा? कब धरती पर होगी उनकी सुरक्षित वापसी? इसकी कोई गारंटी नासा के पास नहीं है, लेकिन इस इंतजार और बेसब्री के आलम में अंतरिक्ष से हर गुजरते दिन डराने वाली जानकारियां सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के लिए संकट बड़ा होता जा रहा है। जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता अंतरिक्ष में गई है, उससे उनकी वापसी लगभग नामुमकिन होती जा रही है। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर नासा के जिस स्टार लाइनर से स्पेस में गए थे, उससे धरती पर वापसी करने में उनकी जान का खतरा हो सकता है। अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणाली के पूर्व कमांडर रूडी रिडोल्फी ने वायुमंडल में स्टार लाइनर के दोबारा लौटने से जुड़े जोखिमों की जानकारी साझा की है। रूडी के मुताबिक अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर की धरती पर री एंट्री में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो रिस्क बड़ा होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में खराबी आई तो स्टार लाइनर स्पेस में ही फंस जाएगा। ऐसे हालात में सुनीता और बैरी के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन ही रह जाएगा। मतलब स्टार लाइनर से सुनीता की वापसी में जोखिम ही जोखिम है। नासा के स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल में कई दिक्कतें हैं। सर्विस मॉड्यूल ही पूरे स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सेंटर है। सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर पानी ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, जिसकी धरती पर वापसी में दो बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। रूडी रिडोल्फी के मुताबिक वापसी के वक्त स्टार लाइनर का कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल से बाउंस ऑफ हो सकता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंसे रह सकते हैं और फिर नासा को उन्हें ढूंढने और कैप्सूल की तलाशी की कोशिश करनी पड़ सकती है। स्पेस एजेंसी नासा फिलहाल सुनीता विलियम्स और बैरी की वापसी के लिए दो स्पेसक्राफ्ट के इस्तेमाल पर मंथन कर रही है, एक स्टार लाइनर और दूसरा स्पेस एक्स। रूडी रिडोल्फी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है
कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल को सही कोण पर रखना होगा। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो नतीजे बेहद खौफनाक हो सकते हैं। कैसे होगी सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी और नासा ने नई तारीख क्या दी है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जानिए कि सुनीता विलियम्स धरती से कितनी दूर और कहां पर इस वक्त हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों ने 1998 में अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया। रूस के एक रॉकेट की मदद से स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया और इसके बाद सभी हिस्सों को जोड़कर स्पेस स्टेशन बना दिया गया। पहली बार 2 नवंबर 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंचे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, आराम करने, ऑफिस का काम करने और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े शोध कार्य करने के लिए ठीक ठाक जगह बनाई गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 बेडरूम वाले घर के बराबर जगह है, जहां एक वक्त में 6 लोग बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन तेज रफ्तार से लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। इसी स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर नासा का स्टार लाइनर मौजूद है, जिसमें सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी में खतरे ही खतरे हैं। ऐसे में नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए अब कई तरह के प्लान बना रहा है, जिसमें से एक प्लान एलन मस्क के स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट के जरिए वापसी की कोशिश हो सकती है। इसके तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल करके नासा विलियम्स और विलमोर को धरती पर वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। असल में नासा क्रू 9 मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन कैप्सूल में ISS पर भेजने वाला था, लेकिन अब मुमकिन है कि सुनीता विलियम्स और भुज विलमोर को इस मिशन में शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो नासा क्रू 9 मिशन के लिए धरती से 2 ही अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजेगा और वहां पहले से मौजूद विलियम्स और विलमोर इस मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस मिशन से जुड़ने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी फरवरी 2025 तक मुमकिन होगी। हालांकि नासा की दी गई नई तारीख पर भी किसी को यकीन नहीं, क्योंकि नासा की तरफ से कई बार तारीख आगे बढ़ाई जा चुकी है। स्टार लाइनर मिशन लॉन्चिंग के वक्त से नासा पर लापरवाही और अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। 5 जून को मिशन की लॉन्चिंग पर ही हीलियम गैस लीकेज का पता चल गया था, बावजूद इसके मिशन लॉन्च कर दिया गया। हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए होता है, जिससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाने में आसानी होती है। यही हीलियम वापसी के दौरान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करने में काम आती है। शुरुआत में नासा ने हीलियम लीक होने को हल्के में लिया, मगर मिशन के दौरान 4 हीलियम लीक और स्पेस स्टेशन के पास जाने पर 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए, जिनमें से 4 को दोबारा चालू किया गया। नासा के इंजीनियर्स की गलतियों ने स्टार लाइनर मिशन को मिशन इम्पॉसिबल बना दिया। नासा को अब सुनीता विलियम्स की वापसी में दूसरी एजेंसियों की सवारी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब नासा दूसरे के कैप्सूल की मदद लेगा। 2 साल पहले रूस की मदद नासा ने ली थी। नासा फिर एक बार दूसरे के भरोसे है। एलन मस्क की एजेंसी स्पेसक्राफ्ट के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर अब नासा की सारी उम्मीदें टिकी हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक अजीब घटना सामने आई, जब एक आदमी सांप डिब्बे में लेकर अस्पताल पहुंच गया। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक ग्रामीण को सांप ने काट लिया। सांप के काटने पर शख्स हरि मिश्रा घबराया नहीं, उसने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया। इसके बाद इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया जा पहुंचा। वहां डिब्बे में बंद सांप को देखकर स्वास्थ्य कर्मचारियों और मरीजों में हड़कंप मच गया। डिब्बे के भीतर सांप फन निकालकर बैठा हुआ था। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है, जहां पर एक शख्स जिसे जब सांप ने काटा तो घबराने के बजाय उस सांप को डिब्बे में बंद करके अस्पताल लेकर पहुंच गया।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दावा है कि एक परिवार के सदस्य आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। तिरुमाला में देवता को सोना चढ़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं, जब एक परिवार के 3 सदस्य भारी भरकम सोना धारण करके मंदिर परिसर में पहुँच गए। महाराष्ट्र से एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा। पुणे का ये परिवार 25 किलोग्राम सोना पहनकर यहां आया। जी हां, सही सुना आपने। सोना इतना कि कोई इसका शौकीन भी होगा तो वो भी शर्मा जाए। वहां पर आए श्रद्धालु उन्हें देखकर दंग रह गए, जो लाजमी भी था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 शख्स और 1 महिला है। दोनों पुरुषों ने अपनी गर्दन को सोने की मोटी जंजीर से ढका था। दोनों ने ब्रांडेड धूप का चश्मा भी पहना हुआ है। महिला भी सोने के आभूषण पहनकर आई है, उनके साथ एक बच्चा भी आया है। सोना और सोने से बने हुए आभूषण पहनना हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और लोग इसका प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को ये परिवार तिरुमाला आया, जिसके बाद परिवार ने मंदिर में दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर तीर्थयात्रियों से सोने का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अक्सर आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के संकेत के रूप में सोना और दूसरी कीमती सामान चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर के पास बेशकीमती गहने और हीरे हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लाल सागर एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने ग्रीस के समुद्र में ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हूथी विद्रोहियों के हमले में ऑयल टैंकर से भरे शिप को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद समुद्र के बीचों बीच शिप धू धू कर जल उठा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में शिप पर सवार चालक दल के सभी लोग सुरक्षित हैं। हमलावरों ने यमन में हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेइदिया बंदरगाह से करीब 140 किलोमीटर पश्चिम में ग्रीस के जहाज को निशाना बनाया। हालांकि ये साफ नहीं है कि यह हमला मिसाइल से किया गया है या ड्रोन से दागे गए रॉकेट से।